नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे अपने YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली आने वाली है, उसमें आप सबको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करना चाहिए हर प्राणी को जो गणेश जी को, लक्ष्मी जी को मानता है, कुबेर जी को मानता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार भगवान गणेश साक्षात रिद्धि और सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के साथ विराजमान होकर हमारी सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं और माँ लक्ष्मी जी मनवांछित फल देती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान कुबेर धन के संरक्षक देवता हैं। वे इंद्र के खजांची और धन की रक्षा करने वाले हैं। धनतेरस के दिन कुबेर जी की प्रतिमा और कुबेर यंत्र को स्थापित करके भगवान गणेश के साथ कुबेर जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। माँ लक्ष्मी सदैव राइट साइड में होती हैं गणेश जी के, और गणेश जी लेफ्ट साइड में कुबेर जी की ओर स्थापित कर सकते हैं आप। कुबेर जी का मुख उत्तर दिशा में होता है, कुबेर जी का जो है साउथ फेस साउथ में होता है, उनका पीठ उत्तर को होता है क्योंकि उत्तर दिशा में उनका वास होता है। तो स्थापना करने के बाद कुबेर यंत्र और कुबेर की मूर्ति को उनमें कुबेर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, जिससे आपको उनका आह्वान करना है कि हे कुबेर जी महाराज, आइए हमारे घर में, मेरे धन की रक्षा कीजिए, हम आपसे आज से आप सबका पूजन करेंगे। इसलिए तो आप ऐसा कह करके संकल्प करके उनका आह्वान करके और उनके चंदन से, अक्षत से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, पंचोपचार पूजन करके उनको दिलित प्रति पूजा करके उनको अपने व्यापार स्थल पे या फिर कहीं घर के मंदिर में स्थापना करके इनकी पूजा नित्य प्रति करने से धन की रक्षा होगी। और कुबेर जी का एक मंत्र बता देता हूँ जो कि बहुत ही अमोघ मंत्र है। उनका 3 महीने तक लगातार यदि 1008 बार जप किया जाए तो कुबेर जी महाराज स्वयं प्रकट भी हो जाते हैं। तो आपको कर्ण मंत्र क्या है बता देता हूँ आपको। ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धनम धान्यम समृद्धिम मे देहि दापय स्वाहा। एक बार फिर से बोलता हूँ मंत्र को। ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धनम धान्यम समृद्धिम मे देहि दापय स्वाहा। ये कुबेर जी का अमोघ मंत्र है। इसका आप 7 बार, 5 बार, 8 बार, जितना हो सके 11 बार, 21 बार, 108 बार यदि जप करते हैं बहुत ही अच्छा है। और ख़ास करके धनतेरस के दिन 108 बार कुबेर मंत्र का अवश्य जप करें। तत्पश्चात यदि एक बार भी जप करके उनको धूप दीप अगर दिखा देते हैं तो भी बहुत है। और तो दोस्तों, भगवान कुबेर कौन ही भी थोड़ा बता देता हूँ। भगवान कुबेर रावण के बड़े भाई माने जाते हैं और बड़े धर्मात्मा थे, और उन्होंने बहुत तप किया था। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, देवताओं का कोषाध्यक्ष की उनको उपाधि मिली है, जो देवताओं को कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। इंद्र के खजांची हैं और इसलिए कुबेर जी की पूजा हर घर में होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब भी अपने अपने घरों में कुबेर की मूर्ति को स्थापित करके नित्यप्रति पूजा करें। लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा करें धनतेरस पे, क्योंकि भगवान कुबेर ही हैं जो धन के रक्षक हैं। वो हमारे धन को अपव्यय होने से बचाते हैं और वो रक्षा करते हैं। इसलिए और आपसे एक विनती और करता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।